धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। जंग का 23वां दिन हो चुका है। मौतों का आंकड़ा 8000 के पार हो चुका है। पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूएनजीएसए प्रस्ताव भी पास हो चुका है, लेकिन फिर भी इसराइल की जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इसी बीच एक चर्चा बहुत तेजी से पूरी दुनिया में चल रही है कि बहुत जल्द जंग बंदी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे देश बहुत सारे हाथ पैर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रजब तैयब अर्दोगान अभी 20 दिनों तक बैठे हुए थे, वो भी अब सुरमा भोपाली बन गए हैं, सीधे आतंकी बताने लगे हैं नेतन्याहू को और कह रहे हैं कि उस पे युद्ध अपराध का आरोप साबित करवाएंगे, उसको सजा दिलवा के दम लेंगे। सऊदी अरब का विदेश मंत्री भागा भागा अमेरिका पहुंच रहा है। ईरान हमास के लोगों को साथ लेकर, या पहले खुद पहुंच जाते हैं बाद में हमास के लोग पहुंच जाते हैं, रूस से मिल रहे हैं। रूस हमास की मदद करने की बात कर रहा है। तो तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इसके चलते जो जंगबंदी की बातें हो रही हैं, क्या वो सही हैं या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यूएनजीए के प्रस्ताव के बाद भी इसराइल ने जमीनी जंग तो शुरू कर ही दी है गाजा में। इंटरनेट वहां बंद कर दिया गया था। फिलहाल की खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट भी धीरे धीरे वहां पर बहाल किया जा रहा है। तो इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अखबार का बंदा रहा हूं, एक मिजाज हमेशा से रहा है। अखबार में बीट पे काम करते हैं रिपोर्टर, तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसी से बात की जानी चाहिए। मैं कभी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका एक्सपर्ट नहीं रहा हूं, लेकिन मोहम्मद अहमद काजमी साहब अपने चैनल पर मीडिया स्टार वर्ल्ड के जरिए इसी टॉपिक पर अपनी तमाम खबरें कई सालों से लगातार बताते चले आ रहे हैं। तो उन्हीं से इन तमाम पहलुओं को लेकर बात करने जा रहा हूं फिर से एक बार। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया बात करने का आपके दर्शकों से। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लग रहा है कि जो तमाम असरात बन रहे हैं, अब हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र फोन कर रहे हैं, तुर्की का राष्ट्रपति सीधे आतंकी बोलने लगा है, पहले हमास को सर्टिफिकेट दे रहा है, फिर सऊदी अरब वाले दौड़ दौड़ के अमेरिका जा रहे हैं, ईरान जो है वो जाके हमास के साथ रूस से मिल रहा है। ये सब जो हलचल तेज हुई है, क्या जंगबंदी होने जा रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है हमास की तरफ से कि भैया लो अपने बंधक ले लो, बस हमारे 6000 लोगों को छोड़ दो जो जेल में बंद हैं। जी हाँ, देखिए, जंगबंदी तो अल्टीमेटली होनी है और होनी, इससे भी इशारा मिलता है कि कल एक खबर आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जमीनी हमले से इनकार किया है या इजाजत नहीं दी। हालांकि कुछ जमीनी हमलों की कोशिशें की गई हैं, और जो कल और परसों जो हुआ है नॉर्थ में, उसके नाकाम होने की खबर कल हमास के रिप्रेजेंटेटिव ने, उनके नुमाइंदे ने दी है, और ये कहा है कि हम मुसलसल पूरी तरह से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मॉस्को में मीटिंग हुई है, मॉस्को की मीटिंग से दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि कैदियों की अदला बदली के लिए बात हो रही है, नंबर दो। दूसरा एक बयान हमास की तरफ से आया है कि हम अदला बदली के लिए तैयार हैं, यानी अब इराकी, अब इजरायली आंकड़ों के मुताबिक 230 इजरायली हमास के पास हैं और हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी हैं जो इजरायली जेलों में बंद हैं। हमास का ये कहना है कि इस अदला बदली में इजरायल रुकावट बना हुआ है, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से जमीनी जंग में कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने की का जो इशारा है, उसमें जंगबंदी का भी इशारा है, मैं ऐसा समझ रहा हूं। और रूस और चीन जिस तरह से इस इलाके में, जैसे हम शुरू में कह रहे थे, आपने भी कहा था कि वो आएगा आखिर में, वो निपटाएंगे, तो उस तरह के इशारे काफी साफ तौर पर मिल रहे हैं। और ईरान इस सिलसिले में जो अपनी डिप्लोमेसी, जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पूरे इलाके में कई मुल्कों का दौरा किया और अब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी मॉस्को पहुंचे, तो एक बात बहुत, दो तीन चीजें बहुत ही कॉमन हैं और हर दुनिया का हर इंसान गाजा में बेगुनाहों के कत्लेआम से फिक्रमंद है। और दूसरी बात यह कि इसराइल की जो ताकत का हवा था उसकी हवा निकल गई, और अब ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट जो था जमीनी हमले का, वो भी नाकाम हो गया। तो इसके नतीजे में सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है।
सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे देश क्या क्या कर रहे हैं उस पर अलग अलग से बात आपसे सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अदला बदली पे रहते हैं। क्या जो बंधकों के परिजन हैं वो पूरी दुनिया में दबाव बना रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार वो इसराइल में प्रदर्शन कर रहे थे, कल बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे मुलाकात भी की है और उन्होंने कहा कि भैया यहाँ के लोगों को छोड़ और वहां के लोगों को रिहा करवा, वो दबाव भी रंग ला रहा है क्या? बिल्कुल, वो दबाव रंग ला रहा है। देखिए, इसराइल में सरकार के खिलाफ कई किस्म के मोर्चे खुले हुए हैं। एक तो जंग से पहले जो जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के खिलाफ वहाँ मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो भी आज भी वो मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने अभी प्रोटेस्ट जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं। दूसरे, ये जो कैदी हैं हमास के हाथों, उनके परिजन, उनके जो कुनबे के लोग हैं, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार हमारे लोगों को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर रही। तो वो भी एक प्रेशर, ना सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि अमेरिका वगैरह में भी वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसका भी दबाव है, यकीनी तौर पर दबाव है। और इस वक्त जो पिछले दिनों कोई सर्वे आया था वो ये कि नेतन्याहू को जो सपोर्ट करने वाले, वोट करने वाले लोग हैं, वो भी अब उसको वोट करने वाले नहीं है। शायद ही 120 सीटों में से 30-35 सीटें वो जीत सके अगर आज इलेक्शन हो, तो वो दबाव में है। और एक बड़ा दबाव ये है कि वो खुद अपने ओहदे से एक तरह से उन्हें दस्तबरदार होने के इशारे मिल रहे हैं, वो बाकी नहीं बचेंगे अपने ओहदे पर, ऐसे भी इशारे हैं। क्या अमेरिका इस जंग में फंस गया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने 900 फौजी भेज दिए हैं, अपने जो बेस हैं उसने बना रखे हैं सीरिया में, इराक में, उनको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी लगातार वहां पे हमले हो रहे हैं, अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है उसके बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं, क्या ये भी एक पहलू हो सकता है कि अमेरिका अब अपनी जान छुड़ाना चाहता है जल्द से जल्द जंगबंदी करा के? और इसी सब के चलते मैं जोड़ रहा हूं इसमें, यूएनजीए से प्रस्ताव भी पास हो गया, वरना अभी तक तो यूएन से कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हो रहा था। देखिए, यूएनजीए, मैं अक्सर कहता हूँ ये यूनाइटेड नेशन जो है उसमें बदमाशी चलती है कुछ मुल्कों की, और उस बदमाशी के नतीजे में पूरे दुनिया के सिस्टम को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हेडक्वार्टर है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, अमेरिका उसको इन्फ्लुएंस करता है, यकीनी तौर पर करता है। ये बात भी सही है कि रूस और चीन जिस इशू पर चाहते हैं वो वीटो कर देते हैं और उसका मामला आगे नहीं बढ़ पाता। अब जो सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ है वो भी एक तरह से अमेरिका और इजराइल की कमजोरी का ही इशारा है, क्योंकि उनके इशारे के बगैर ये रेजोल्यूशन पास होने वाला नहीं था। जॉर्डन और मिस्र की हैसियत महज अमेरिकी कॉलोनी जैसी है, उनके जॉर्डन के जरिए तैयार किया गया रेजोल्यूशन वो वॉशिंगटन और तेल अवीव से तैयार होके आया है, इस पे मेरा यकीन है एक ऑब्जर्वर के तौर पर। तो ये मुसलसल उन्हीं के अपने जो सीरिया में चल रहा है, क्या उसका दबाव भी रंग ला रहा है क्या, जो सीरिया और इराक में हमले हो रहे हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बड़े एक जर्नलिस्ट ने एक बात कही थी कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं वो जो अमेरिका की मजबूती की निशानी बताई जाती है वो खुद उसकी कमजोरी की निशानी भी है। कमजोरी की निशानी यह है कि अगर इन पे हमले होने शुरू हो गए तो जान बचा के भागना मुश्किल हो जाएगा। और इराक में, सीरिया में हमले हुए और उस दिन तो कुछ ही, शायद एक आधा घंटे के अंदर रिएक्शन आया जब अल्बु कमाल में ये कहकर के ये ईरानी ठिकाना था, इस पर हमने हमला किया, फौरन ही दहरस जोर में हमला, जवाबी हमला हुआ। तो इलाके में हमले हो रहे हैं और अमेरिका बहुत ही अनसेफ महसूस कर रहा है उधर। तो उधर देखिए, बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है। एक तरफ तो अमेरिका ने यूक्रेन को जंग में फंसा करके पूरे यूरोप को तबाह करने का इंतजाम किया है, पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में महंगाई, जर्मनी को और ईस्टर्न यूरोप को जो गैस रूस से आती थी सस्ती, उससे उनका वो डिस्कनेक्ट हो गई, अब महंगी गैस खरीदने के लिए मजबूर है। अब आप सोच सकते हैं कि लंदन में लोग एक टाइम का खाना छोड़ करके जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसी हालत में उन्हें पहुंचा दिया यूरोपीय मुल्कों को। अब इसको इजराइल को भी, इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट से ही ये बच रहा था। मेरा समझना यह कि अमेरिका की ही बेवकूफी से ये तबाह होने के रास्ते पर है।
चलिए, अमेरिका की बेवकूफी से ही वो तबाह होने के रास्ते पे है और उसी के सपोर्ट से बचा हुआ था। क्या अब सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, इसलिए रजब तैयब अर्दोगान भी पिछले 3 दिनों से सुरमा भोपाली बने हुए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो हैं वो दौड़ लगा रहे हैं अमेरिका तक, ये सब चीजें इसलिए देखने को मिल रही हैं। देखिए, अमेरिका तक दौड़ लगाने का मतलब यह है कि अमेरिका से मशवरा करना है, अमेरिका से यह पूछना है भाई साहब ये बता दो हमें कहां तक बोलना, कितना करें, क्या करें। हम तो इसराइल से ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार थे ही, ये अजीब हमास ने हमारे लिए मुसीबत बना दी कि हमारी पब्लिक हमारे खिलाफ हो गई, ये तो वो बात करने गए थे। रजब तैयब अर्दोगान अपना रंग बदलने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने जहां इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बातें की थी, हमें याद है कि जब ये ट्रंप सरकार में आए थे, ये जो अभी इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, तो इन्होंने कहा कि ट्रंप तक तो मेरे अच्छे ताल्लुकात थे लेकिन जो बाइडन के साथ हमारी अच्छी शुरुआत नहीं हुई। यानी वो अमेरिका की खुशनुदी भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसी दौरान जब जंग हो रही है, जंग की कोई तारीख तो तय होती नहीं है, जंग शुरू होने से पहले ये तय था कि उनको जाना था इसराइल, इत्तफाक से जंग के दौरान की ही तारीख बीच में आ गई तो उन्होंने वो कैंसिल किया। पहले तो वो कैंसिल करके ये कह रहे हैं कि हम हमास के साथ हैं और गुनाह ये क्राइम हो रहा है इसराइल की तरफ से, और अब उन्होंने कल इस हद तक कह दिया कि इसराइल पागल हो गया है, इसराइल पागल हो गया है और इस अगर इसने गाजा पर बमबारी ना रोकी तो इसका बहुत बुरे नतायज होंगे। तो अब इस तरह के बयान दे करके अपने लोगों को, जिनको वो ये बताते रहे कि मैं शायद सल्तनत उस्मानिया का खलीफा बनने वाला हूं, अब उनसे उनके सामने चेहरा छुपाने की भी कोशिश हो रही है। चलिए, ये उनकी एक प्रैक्टिस हो सकती है, वो ऐसा कर सकते हैं और इसके पीछे उनकी अंदर की और बाहर की राजनीति जो है वो काम कर रही है। लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री का अमेरिका जाना और उन तमाम चर्चाओं के बीच जाना कि भैया युद्धबंदी होने जा रही है, ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि अमेरिका जानबूझकर जो है सऊदी अरब के सर पे सहरा बांधना चाहता है कि इनकी वजह से हुई है जंगबंदी। देखिए, किसी ना किसी को तो आगे करना होगा, अब से पहले वो मिस्र को आगे करते रहे हैं। अभी हुआ ये है, बहुत ही दिलचस्प पहलू है इस जंग का, इस जंग से एक नतीजा सामने आया कि इजराइल गाजा के लोगों को जॉर्डन या मिस्र में ट्रांसफर करना चाहता है ताकि ये झगड़ा टंटा ही खत्म हो जाए, जैसे देसी जबान में आपके इलाके में कहा जाता है, और ये ना यहाँ फिलिस्तीनी होंगे ना ये झगड़ा होगा, इसलिए इनको जॉर्डन में या मिस्र में जाकर के बसा दिया जाए, वहां का एक इलाका सिनाई कहलाता है उसमें जाकर के बस जाएं। तो अब उस आइडिया के खिलाफ मिस्र और जॉर्डन खुल करके आ रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने यहाँ इतनी बड़ी आबादी को कैसे रखें। तो अब उनका वो इस्तेमाल नहीं रहा जो सीज फायर के लिए उनका इस्तेमाल होता रहा है, अब वो सऊदी अरब को आगे लाएंगे, शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि जो खादिमुल हरमैन हैं उन्होंने दुनिया में अमन के लिए काम किया, अंदर अंदर फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात की तैयारी हो जाए, ये मुमकिन है। अंदर अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा, बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन लगता है इसी सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपना स्टैंड बदल लिया। कल यहाँ वो यूएनजीए में जो है वोटिंग नहीं करवा पाए, गायब कर दिया उन्होंने भारत की वोटिंग को। अब उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी से बात की है, यानी कल को यहाँ भी हमारा मीडिया बताएगा कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करा के भारत के लोगों को वहां फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया, और अब फिर से यहाँ बताने की कोशिश की जाएगी कि देखो दुनिया में कोई कुछ करा ही नहीं पा रहा था, मोदी जी ने फोन करके काम करा डाला। देखिए, मोदी जी की का टेलीफोन चाहे तो महमूद अब्बास को हो या मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सीसी को हो, ये अमेरिकन और इजरायली एजेंट हैं दोनों, बहुत इन्होंने काम किया उनके लिए, जो यहां तक हालात बिगड़े हैं ना वो ये लोग इसके जिम्मेदार हैं बाकायदा। तो इन दोनों में से किसी को भी या जॉर्डन को भी फोन कर लें, तो वो असल में इजराइल के दोस्तों से बात कर रहे हैं, गाजा पर बमबारी करने वालों के दोस्तों से बात कर रहे हैं, इसमें फिलिस्तीन से हमदर्दी कोई नहीं है, इसमें गाजा के लोगों से हमदर्दी कुछ नहीं है। ये असल में गलत फहमी फैलाने का एक तरीका होता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे आरएसएस और बीजेपी के नजदीक मुसलमान हों और उनसे मोदी जी मिले और अखबारों में तस्वीर छप जाए कि मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन असल में तो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल इसी तरह से महमूद अब्बास या अब्दुल फत्ताल सीसी से बात करना कतई उन फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी नहीं है जो वहां बमबारी में मर रहे हैं।
चलिए खैर आखिर में अब आपसे मैं सीधे पूछ रहा हूं, क्या एक दो दिन में जंगबंदी हो जाएगी? एक दो दिन में तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हफ्ते से 10 दिन तक लग सकते हैं। अब भी चूंकि इसराइल ने जिस तरह से बार बार नाकामियां देखी हैं और उस गुस्से में वो फिर हमले बढ़ाता है, अभी कल बड़ी नाकामी उसको हुई है, तो हो सकता है वो गुस्सा भी बरकरार रहे कुछ दिन, लेकिन आखिरकार उस दबाव में आना पड़ेगा। अमेरिका को भी अपनी हैसियत का पता चल गया, इसराइल को भी अपनी हैसियत का पता चल गया, और अब भी पैराग्लाइडर से हमास के लोग इसराइल के अंदर आ जाते हैं और उनकी जेम्स बॉन्ड मोसाद को पता भी नहीं चलता, वहां की फौज को पता नहीं चलता, तो इनकी हालत बहुत खराब है। इन खबरों को छोड़ा जाए और सच की तरफ थोड़ा सा देखा जाए कि जितना बर्बाद करना था गाजा पट्टी को उतना बर्बाद कर दिया इसराइल ने, अब वो कहेगा भाई हमें जो करना था हम तो कर ही चुके हैं, पड़े ही हमने जमीनी जंग का ऐलान ना किया हो लेकिन फिर भी अंदर घुस घुस के मारा है तो जंगबंदी कर लो, ये भी तो एक पहलू हो सकता है ना जी। देखिए अंदर घुस करके मारा है लेकिन अंदर घुस करके टैंक छोड़ करके भागे हैं, ये वाली खबर नहीं दिखा रहा वेस्टर्न मीडिया, वो नहीं बता रहा। पहले कोशिश में रफा चौकी के आसपास के इलाके में, रफा शहर में, वहां टैंक छोड़ करके भागे, खान यूनिस में टैंक छोड़ करके भागे, कल और परसों के जो वाकयात हैं उसमें भी इजरायली फौजियों के पैदल वापस भागने की खबरें हैं और कि वो अपने हथियार भी छोड़ करके भागे, तो ये वाली खबरें ना तो वेस्टर्न मीडिया दिखाएगा ना हमारा भारत का, अब तो इंटरनेशनल गोदी मीडिया कहा जा सकता है, अब तक तो मोदी जी के लिए कर रहे थे, अब नेतन्याहू के लिए कर रहे हैं, ये भी नहीं दिखाएंगे ये खबरें। तो ये खबरें ना दिखाना इससे कतई मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड की सिचुएशन कुछ और बदल जाएगी, ग्राउंड पे जो हो रहा है वो अपना काम पूरा हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमास ने एक इकोनॉमिस्ट जो लंदन का अखबार है उसने 2 दिन पहले लिखा कि जो वहां पर उनके रिपोर्टर हैं उन्होंने ये बताया कि अब ये 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के पॉलिटिशियंस के दिमाग से ये बात मर चुकी है दिमाग में कि रेजिस्टेंस को कुचला जा सकता है, ये बात अब वो नहीं कर रहे, तो इस हालत तक तो पहुंच गए। आगे आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, देखते हैं। जंग का नतीजा कोई नहीं बता सकता लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कल के अगर बोल बचन देखे जाए बेंजामिन नेतन्याहू के, तो उसने कहा कि आजादी की लड़ाई है और हम पीछे हटने वाले नहीं है, यूएनजे के प्रस्ताव को भी हम नहीं मानते हैं, बंधकों के परिजनों से मिलने के बाद ये ऐलान किया है। लेकिन राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसको समझना, उसके पीछे के हालात को जानना, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये कोशिश हमने आपके सामने की मोहम्मद अहमद कादरी साहब के साथ जुड़कर, कैसी लगी जो भी आपकी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।